Welcome my dear students. Welcome to Methodological. Today's session is going to be very, very important. Uh, we are going to discuss questions based on maximum value and minimum value of certain expressions. Okay. There will also be questions on functions and graphs based questions, maximum and minimum based. So unkups separately discuss, karenge, but we will be discussing questions pe ki Am-GM inequality. Ka hoga. So uh, we've already discussed Am-GM inequality, gm HM inequality. इन द प्रीवियस सेशन सो इफ यू नॉट चेक दउट दैट दैन यू कैन चेक आउट अदरवाइज उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो बेसिक है वो तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाख से और बात करते हैं एम जी एम एन इक्वालिटी की ओके सो इफ देर आर लेटेस्ट से टू नंबर्स ए एन बी या फिर टू के बजाय एन नंबर्स मान लेते हैं इफ दे आर एन नंबर्स ए एन बी ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड जितने भी नंबर्स हैं ठीक है सो इफ देर आर एन नंबर्स सो वट इज एरेथमेटिक मीन एरिथेमेटिक मीन इज ऑल दो नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स यानी कि एवरेज है एवरेज है सम बाई एन दैट इज एरेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल दो नंबर्स टू द पावर वन बाई टोटल नंबर जितने अगर एन है तो टू द पावर वन बाई एन दैट इज जी एम एंड एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जोमेट्रिक मीन

और इक्वालिटी कब एक्जिस्ट इक्वालिटी तब एग्जिस्ट करती है जबकि बोधा इक्वल सो एम विल बी इक्वल टू जी एम इफ इक्वल टू जी एम दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ओके फाइन अब अगर हमारे पास थ्री हैं ए बी एंड सी देन वी कैन कंक्लूड प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री दैट विल बी ग्रेटर टू ए इंटू बी इंटू सी टू दावर वन बाई थ्री ओके बेसिक बातें कुछ क्लियर एक और छोटी सी बात को समझ लेते हैं जिसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा तो नहीं होगा बट एक दो क्वेश्चन हम उसके भी देखेंगे है हमारा ए एम इज ग्रेटर टू जी एम एंड जी एम इज ग्रेटर से ए बी सी डी दीज आर फोर नंबर बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई फोर विच विल बी ग्रेड इक्व डू जोमेट्रिक मीन विच इज ए बी सी डी का प्रोडक्ट टू वन बाई फोर विच विलो हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन हो जाएगा फोर अपॉन वन बाई ए प्लस वन बाई डी तो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ जाओगे तो कभी अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमें गिवन है और वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई डी के बेस पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे एम ग्रेड इक्वल टू एच एम लग रहा हो ठीक है या फिर ए बी सी डी का प्रोडक्ट गिवन है और संभा आ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है सबसे पहले बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रॉपर्टी क्या है ई एम इज ग्रेटर इक्वल एक्कोडोजी एम तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में आएंगे अब क्वेश्चन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना कि क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन को देख के कि कौन से क्वेश्चन में हमारा ई एम जी एम इन इक्वालिटी अप्लाई हो सकता है यहाँ पे या फिर कौन से केस में हम ई एम जी एम इन इक्वालिटी को अप्लाई करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ये हमें जानना है तो सबसे पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दैट इधर इन दिस केस या तो सम गिवन होगा और इफ सम वाज गिवन तो फिर प्रोडक्ट पूछा होगा क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट क्या है या फिर हो सकता है प्रोडक्ट गिवन हो और क्वेश्चन में सम के बारे में पूछा हो या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट गिवन हो और जो दूसरा पूछा हो वो भी प्रोडक्ट जैसा ही लग रहा हो बट सम हो ठीक है तो कनेक्शन हम तो प्रैक्टिस से ही समझेंगे बट एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सम गिवन होगा प्रोडक्ट पूछा होगा प्रोडक्ट गिवन होगा सम पूछा होगा ठीक है और अगर सम गिवन है तो प्रोडक्ट की हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी होगी फिर और अगर प्रोडक्ट गिवन है तो सम की मिनिमम वैल्यू पूछी होगी यानी कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछी होगी क्वेश्चन में ठीक है तो या मिनिमम पूछा होगा तभी हमें क्वालिटी अप्लाई करना है दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे दे शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से नंबर्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन से नंबर्स नंबर्स नंबर विल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स बट ये वो नंबर्स होंगे जो कि हमारे, जिन पे हम हमारा ए नेगेटिव है बी इज ऑल्सो लेस देन जीरो अब ए और बी नेगेटिव है ठीक है लेकिन क्वेश्चन अगर हमसे पूछे कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वॉट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बाई बी प्लस बी बाई ए नॉ इन दिस केस वी नो दैट ए एंड बी बोथ आर निगेटिव और बी दोनों ही निगेटिव है वेरी इंपॉर्टेंट बट ए अपॉन बी क्या होगा जब ए बी निगेटिव है बी भी निगेटिव है तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव सिमिलरली बी बाई ए भी पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है बाकी तो 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 तुम समझ ही रहो जब पॉजिटिव नंबर्स होंगे तब तो कुछ सोचना ही नहीं है बट अगर ए और बी नेगेटिव भी दिए हैं और क्वेश्चन पूछा है ए बाई बी प्लस बी बाई है तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ए बाई भी पॉजिटिव है और बी बाई ए भी पॉजिटिव है यानी कि यहां पे हमारा जो केस है नंबर्स दैट आर इन्वॉल्व जिन पर हम एम जीम अपलाई करने वाले हैं वो नंबर्स हमारे पॉजिटिव है यानी कि ए बाई बी पॉजिटिव और बी बाई ए पॉजिटिव दैट इज वाई वी कैन ऑलसो अप्लाई ए एम जीएम यहां पे भी बिकॉज भले ही ए और बी नेगेटिव है तो क्या हुआ बट ए बाई बी और बी वाई ए जिन पर हम अप्लाई करने वाले हैं एम जी एम वो तो हमारे पॉजिटिव है ना ठीक है तो अप्लाई कर देंगे एम जी एम कैसे अप्लाई करेंगे ए बाई बी प्लस बी बाई ए ये दो नंबर है डिवाइडेड बाई टू दिस विल बी अवर एम दिस विल बी ग्रेटर टू प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी इन टू बी बाई ए टू दिन बाई टू ओके सो ए से ए कैंसिल आउट हो गया बी से बी तो ये तो हमारा वन टू दाफ यानी वन ही आ गया तो यहां से क्लियरली हमें मिल जाएगा कि ए बाई बी प्लस बी बाई एज ग्रेटर टू टू सो मिनिमम वेल्यूफ ए बाई बी प्लस बी बाई एल बी टू ऑनलीज दियर ठीक है क्या ही बात समझ में आती है ओके okay, अब एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे स्ट्रेट अवे चलते हैं एक एग्जांपल हमारा हो सकता है लडस से कि दो नंबर्स हमारे गिवन है और उनका सम है एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझेंगे कि से बी और सी हमारे नंबर्स है दो और उनका सम आ रहा है ट्वेल्थ और क्वेश्चन पूछे कि बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वॉट विल्यू मैक्सिम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंड बीएनसी ठीक है वॉट विल्यू मैक्सम वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ बी एनसी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हमसे कि टू बी सी सैक्सीम वैल्यू क्या होगा तो टू या थ्री या फो या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर दे बी एन सी में उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए हम किस पे करेंगे अपने बी इंटू सी वाले पार्ट पे Because तो, है। तो है। उसके बारे में नहीं सोचना है ठीक है तो अगर बी प्लस सी हमारा ए एमजे में अप्लाई कर देंगे साथ में ये बी एंड सी आर बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स बोथ आर ग्रेटर जीरो सो ई एमजे में अप्लाई कर देंगे बी प्लस सी बाई टू विल बी ग्रेटर टू इस और b+c इज 12 12/2 आ जाएगा 6 6 इज ग्रेटर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ bc व्हिच इंप्लाई स्क्वायर कर दोगे 36 इज ग्रेटर इक्वल टू bc ठीक है तो bc विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 36 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा bc एक और टू bc होगा तो 2 36 यानी कि 72 विल बी द आंसर

बी इंटू सी आ जाएगा हमारा इज ठीक है बट इनिशियल फ्यू क्वेश्चन में हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे इन बातों को हम ज्यादा कोशिश करेंगे इक्वल टू को अप्लाई करने का बिकॉज जब थोड़ा सा आगे ट्रिकी होंगे तो वहां पे अगर स्टेट ऐसे सोचना शुरू कर दोगे तो फिर क्वेश्चन फसोगे फसोगे जाके तो जब हम एक बार बार्सप्ट को अच्छे से समझेंगे उसके बाद में फिर ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि क्वालिटी कहां पे एक्स करेगी जहां की चीजें इक्वल होंगी बट कौन सी चीजें इक्वल होंगी बिकॉज या तो हमने ट्रेल ले लिया बट किसी और क्वेश्चन हम ले लेंगे फोर बल्लस फाइव सी ट्वेल्व और वहां पे कुछ और पूछा होगा बी टू दी होल स्क्वायर सी क्यूब तब चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी दैट इज वाई स्टार्ट से ही समझ के चलना है कि हमें केस में ही अप्लाई करना है ठीक है और हमारा उसी पे बेस्ड है उसी पर फर्स्ट क्वेश्चन इफ ए b एंड c आर पॉजिटिव रियल एंड ए प्लस बी प्लसी मैक्सिम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए बहुत आसान क्वेश्चन है

इक्वालिटी इज देयर ठीक है ए एम तो की वैल्यू मिनिमम हैल्यू से बड़ा ही होगा बट जी एम की वैल्यू केस तो में मैक्सिम है क्वेश्चन में रोड मैक्सिम वैल्यू पूछ रहा है मैक्सम वैल्यू कब आएगा जबकि इक्वालिटी एक्जिस्ट करेगी और इक्वालिटी कब एक्ट करेगी जबकि ए बी सी ऑलवेज भी इक्वल की एज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू फोर

ए इंटू बी का स्क्वायर रूट और ए इंटू बीज ट्वेंटी 24 ट्वेंटी फोर का स्क्वायर रूट ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर और 24 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा? Is 6, 6, root आ जाएगा 24 तो इज 4 इंटू सिक्स फोर इंटू सिक्स यानी कि टू रूट सिक्स आ जाएगा सो ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर रूट सम क्या आ जाएगा एंड ए एन बी का फोर रूट सिक्स आ जाएगा

ठीक है तो वहां पर हमें चीजों को समझना पड़ता है से कि हमारा एन टू बी आ रहा है ट्वेंटी तो तो एन टू बी अगर ट्वेंटी है तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं नंबर्स कैन बी वन एंड ट्वेंटी फोर टू एंड ट्वेल्व थ्री एंड एट एंड फोर एंड सिक्स ओके फर्स्ट केस में, 25. Second case में सम क्या आएगा ट्वेंटी फाइव सेकेंड केस में सम क्या आएगा फोर्टीन देन इलेवन एंड देन टेन मिनिमम सम कब आ रहा है द नंबर्स आर क्लोजेस्ट

और यहां पे खैर एएमजीएम की ऐसे जरूरत भी नहीं है यहाँ तो स्टेट अवे तुम कॉन्सेप्ट से कर लोगे तो सेपरेटली ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे भी बट ये यह बात यहाँ पे एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है तो फोर वोट सिक्स हमको नहीं आंसर कर देना है अगर ऑप्शन में जस्ट इन केस गिवन हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर टू दार एक्स प्लस फोर अपॉन फोर टू द पार एक्स अब यहाँ पे देखो एक चीज मिसिंग है क्या मिसिंग है कि हमें यह नहीं पता कि नंबर्स पॉजिटिव है कि नहीं है या पता है थिंक अबाउट इट क्या यहां पे हम ये देख के बता सकते हैं कि दीज नंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर्स और नॉट

अगर फोटो है तो फोर 4 4 तो पॉजिटिव तो होगा ठीक है वो भी तो पॉजिटिव होगा यानी तो जीरो अप्लाई कर पाएंगे हम अप्लाई कर देते हैं तो फोर टू द्लस फोर अपॉन फोर टू दिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर फोर टू ठीक है टेंशन नहीं लो नंबर से नंबर्स को हमें खेलना सीखना है उनके साथ में ठीक है बस उनका सम लेना है प्रोडक्ट लेना है प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली अप्लाई करोगे सही से अप्लाई करोगे समझ के अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन तुमसे कभी गलत नहीं होगा ठीक है क्वेश्चन में कई बार तुम्हें नंबर्स बहुत टिपिकल भी दिए हो सकते हैं बट उससे घबराना नहीं है तुम्हें सोचना है कि यहाँ पे हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं हर एक केस में ठीक है अप्रोच जो हमारा है अप्रोच पे फोकस करना है उन नंबर्स की डिफिकल्टी पे फोकस नहीं करना है ठीक है पैनिक नहीं करना है सब काम हल हो जाएगा तो फोर्थ उथ बार एक्स से फोर्थ उन्सल आउट हो गया बचा सिर्फ फोर्थ

फोटो दू एक्स इज इक्वल टू फोर आ गया और फोर यानी कि पार्ट वन है तो टू एक्स इज इक्वल टू वन है okay? so, उसके कोई प्रॉब्लम क्लियर है क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि एक्स की वैल्यू क्या होगी जबकि वैल्यू अटेंड करेगा तो एक्स विल बी इक्वल टू हाफ ओके ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं

ब का साइंस सेम होना चाहिए अगर एक्स और वाई में से जेड में से दो पॉजिटिव हुए एक नेगेटिव हुआ तब प्रॉब्लम हो जाएगा तब फिर हम एम जीएम अपलाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज इन दैट केस सम रेशियोज विल नॉट बी पॉजिटिव बट अभी का जो सैनारियों है जो क्वेश्चन हमें गिवन है वहां पर तो हम इजिली एम जी एम कर सकते हैं तो हम एमजीएम अप्लाई कर देंगे और साथ में तुम देख पा रहे होगे कि जैसे ही हम यहां पर जीएम करेंगे यानी कि प्रोडक्ट देखें प्रोडक्ट हमारा बहुत ही प्यारा बन रहा है प्रोडक्ट क्या बन रहा है एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स वन जाएगा वन बन जाएगा यानी कि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा तो एक्स बाय वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज ग्रेटर टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट है एक्स बाय वाई टू वाई बाई जेड टू जेड बाई एक्स टू दर वन बाई थ्री और ये तो प्रोडक्ट बना, बना रहा है तो यानी कि एक्स बाई वक्स इज ग्रेटर टू थ्रीड सो ठीक है तो हमारा मिनिम वैल्यू आ जाएगा थ्री फॉर दिस समय पार्ट क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस अब ये क्वेश्चन रखा है ताकि तुम यहां पे भी देख सको यहां अल्टीमेटली एम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हो रहा है कि ए क्यूबी थ्री नंबर प्रोडक्ट ए टू बी टू सी ठीक है हालांकि प्रोडक्ट ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है बट यहां पर जैसे ही अप्लाई करोगे ई किस पे अप्लाई करेंगे हम ए एम करेंगे

जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन में लिखा होता है आर डिस्टिंट पॉजिटिव रेल नंबर्स इफ क्वेश्चन हैड मैंट दे आर डिस्टिंग पॉजिटिव रेल नंबर यानी कि इक्वल नहीं हो सकते इफ दे आर डिस्टिंक्ट देन इक्वाली इज नॉट पॉसिबल इक्वालिटी इज आउट ऑफ क्वेश्चन इक्वालिटी नहीं हो सकती और अगर इक्वालिटी नहीं होगी इन दैट केस जो हमारा पूरा पूरा वैल्यू है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस्यूब माइनस थ्री ए बी से दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो तो अगर डिस्टिंट लिखा होता तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता यह भी इंपॉर्टेंट बात है ठीक है तो हर एक वर्ड को हमेशा ध्यान से पढ़ना है ध्यान से समझना है क्वेश्चन कहां फंसा सकता है इन बातों को समझना है फॉर दिस पर्टिकुलर केस द आंसर इज ऑप्शन सी बट इफ देर वॉज मैं ऑप्शन ए क्लियर ओके नेक्स्ट इफ एक्स वाई एंड जेड आर ऑल निगेटिव नंबर एक्स प्लस वाई बाई जेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे के सारे नंबर्स हमें गिवन हैं निगेटिव हैं और हमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है तो क्या यहां पे अप्लाई कर पाएंगे अगेन सेम लॉजिक नंबर्स निगेटिव हो सकते हैं बट यहां पे हमें रेशोज दिख रहे हैं ना रेशोज दिख रहे हैं तो अगर नंबर्स सारे के सारे नेगेटिव हैं तो रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा बट क्योंकि y z भी नेगेटिव होगा x भी नेगेटिव होगा तो y z x क्या होगा पॉजिटिव होगा z x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा z x y पॉजिटिव होगा x y हो, z भी पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज़ x y भी नेगेटिव है z भी नेगेटिव है बट यहाँ पे इन इक्वालिटी अगर हम अप्लाई करते हैं लेटर से तीन नंबर है हमारे वाई प्लस जेड बाई एक्स जेड प्लस एक्स बाय वाई एक्स प्लस वाई बाई जेड इनका प्रोडक्ट जो बनेगा बहुत टिपिकल वैल्यू बन जाएगा और उसको हम सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे हमें क्या चाहिए हमें तो अल्टीमेटली नंबर चाहिए ना तो प्रोडक्ट में कहीं से हम नंबर ला सकें तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी सो दैट इज इम स्ट्रेट अवे यहाँ पे ई एम जी एम अपलाई करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा क्या प्रॉब्लम आएगा समझ लो इस बात को कि जब हम अप्लाई करेंगे इनको वाई प्लस जेड प्लस बाई एक्स प्लस जेड प्लस एक्स बाय वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई जेड और डिवाइडेड बाई थ्री एंड दिस विल बी ग्रेटर एन इक्वल टू ऑल दीज वैल्यूज़ इनका प्रोडक्ट तो समझ सकते हो कितना टिपिकल वैल्यू आएगा ठीक है तो हमें गलती से भी ऐसा नहीं करना है हमेशा जब भी हम एम जी एम अप्लाई कर रहे हैं जब क्वेश्चंस अच्छे होंगे तो वहाँ पे हमें ये ये भी सोचना पड़ेगा कि एम जी एम किन वैल्यूज़ पर अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे इन्हीं बातों को हमारे क्वेश्चन में समझते जाएंगे इसलिए सारा वैरायटी का क्वेश्चंस मैंने लिया है सो तो तुम्हें सारी बातें समझ आ जाए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो तुम उसको इजीली सॉल्व कर सको टैकल कर सको हैंडल कर सको ओके अब देखो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस विल बिकम वाई प्लस जेड बाई एक्स है इसको लिख दो वाई बाई एक्स प्लस जेड बाई एक्स ओके द नेक्स्ट आ जाएगा जेड प्लस एक्स बाय वाई तो जेड बाई वाई प्लस एक्स बाय फिर आ जाएगा एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई जेड ओके ठीक है कोई दिक्कत थे यहां तक नाउ फोकस ऑन दीज टू वाई बाई एक्स एंड एक्स बाई वाई y बाई एक्स एंड एक्स बाई वाई दोनों ही पॉजिटिव है वाई बाई एक्स भी पॉजिटिव है एक्स बाई वाई भी पॉजिटिव है बट दोनों एक दूसरे के रेसी प्रोकल है रेसी प्रोकल है एंड वी ऑलरेडी सीन ये क्वेश्चन हमने किया है ना अभी पीछे कहाँ पे हाँ ये तो किया ही है

एक्स को वाई से रिप्लेस कर दोगे तो भी हमारा एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने वाला वाई को जेड से चेंज कर दोगे तो भी हमारा एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने वाला दट इज वाई ये परफेक्टली सिमेट्रिकल सिस्टम एक्स वाई और जेड में तो अगर इक्वालिटी एक्जिस्ट करेगा तो वहां पर एक्स वाई और जेड भी इक्वल होने चाहिए ऐसी सिमेट्री को हमें ऑब्जर्व करके हमेशा फोकस करना है ठीक है तो अगर हमें यहाँ पे सिमेट्री मिल रहा है अगर हमें यहाँ पे इक्वालिटी मिलेगा तो डेफिनेटली एक्स वाई और जेड भी इक्वल होंगे और अगर वो इक्वल होंगे तो पुट कर दो उनको कोई वैल्यू इक्वल ठीक है

आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल वाई प्लस जेड इन टू वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इफ एक्स वाई एंड जेड आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इफ एक्स वाईडिटिव तो इस बार तो पॉजिटिव सारे सारे पहले ही गिवन है तो कोई इसमें टेंशन नहीं है पॉजिटिव तो पहले ही गिवन है क्या करेंगे यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे एम जीए में अप्लाई कर सकते हैं दो तरीके हैं जिससे सॉल्व कर सकते हैं एक पहले अप्रोच सीखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें सेपरेटली दोनों पे एम जीएम अप्लाई कर देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर अप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस डिवाइडेड बाई थ्री दिस ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ठीक है सिमिलरली वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड दिस डिवाइडेड बाई थ्री दिस विलवल टू वन बाई एक्स टू वन बाई वाई इंटू वन बाई जेड टू दावर वन बाई थ्री

एक्स वाईज टू तो पार वन बाई थ्री तो कैंसिल आउट हो गया बच गया सिर्फ वन सो क्लियरली दिस प्रोडक्ट ये वन बाय नाइन को राइट एंड साइड में लेके जाओगे नाइन मल्टीप्लाई हो जाएगा या नाइन से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इन इक्वाली में सो दिस विल बिकम दैट प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर टू नाइन और अगर ग्रेटर टू नाइन है तो मिनम वैल्यू आ जाएगी नाइन ऑप्शन मिनियम वैल्यू विल बीवल टू नाइन क्लियर ओके ठीक है ओके okay. और वैल्यू कब आएगी हमारी पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू कब आएगी हमारी इक्वालिटी कब एक्जिस्ट करेगी जबकि एक्स वाई जेड आर इक्वल सेकंड में वही सेम कैसे equal, equal, तो अगर एक्स वाई जेड इक्वल हो गए तो हमारा वैल्यू क्या जाएगा दिस विल भी इक्वल टू अगर हम मान लें सबको एक्स ही मान लें तो दिस विल भी थ्री एक्स एंड दिस विल इक्वल टू थ्री बाई एक्स तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो थ्री इंटू थ्री नाइन विल भी दंसर ओके 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 ठीक है ये तो एक अप्रोच हो गया सेकंड अप्रोच देखते हैं सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे अब इस पूरे प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं पूरे प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं तब क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? वो भी देख लेते करना तो तुम्हें समझ में ठीक है? करके वीडियो को, अपने प्रोडक्ट करो और फिर इसके बाद क्या चीजें तुम देख पा रहे हो ठीक है सो एक्स इंटून आ जाएगा वन ही आ जाएगा वाई इन टू वन बाई वाई यानी कि वन आ जाएगा और प्लस वाई बाई जेड ओके प्लस जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई और लास्ट में एक और वन आ गया तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री तो आ गया अपना एक साइड में प्लस एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई और ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना ये पोर्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले किया था

ठीक है कि यहां पे जब इनवालिटी कभी भी हम एमजी में इक्वाली लगाएंगे तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन पे कभी भी इनक्वालिटी नहीं अप्लाई करना है ऐसा नहीं है कि उससे हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आएगा बट हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे और क्यों अप्लाई नहीं करना है ये बात भी समझते हैं जैसे कि हमें थ्री की बनाए यहां पे तो कई बार डाउट हो सकता है दिमाग में कि हम थ्री पे भी ए एमजे अप्लाई कर दें ठीक है थ्री पे भी एमजे इक्वालिटी अप्लाई कर दें ओके अगर हम थ्री को सेपरेट रखते हैं

ठीक है, तो ये सच गलत नहीं है, पे आ पाएगी equality कभी भी नहीं आ पाएगी। इसलिए नहीं आ पाएगी बिकॉज एक्स बाई एक्स बाई जेड बाई एक्स वाई बाई जेड बाई एक्सड बाई वाई जब ये इक्वल होंगे तब थ्री के बराबर नहीं होंगे तो दैट विल रियल प्रॉब्लम तुमने एक टर्म को साथ में कर करिए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये है चीज हमेशा याद रखना है कि यू वे इन इक्वालिटी यू शुड नॉट इंक्लूड अ टर्म ठीक है सो नेवर एक्सक्लूड अट नेवर इंक्लूड अस्टेंट टर्म ऑलवेज एक्सक्लूड टर्म ठीक है नेवर इंक्लूड कॉन्स्टेंट टर्म इन एम जी एम इक्वालिटी ये चीज हमेशा याद रखना है ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अदरवाइज तुम्हारा जो आंसर है वो क्वेश्चन के ऑप्शन से मैच नहीं करेगा या मैच भी कर जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा ठीक नेवर इंक्लूड अ टर्म इन एमजी में अगर नहीं इंक्लूड करोगे तो हमेशा तुम सही आंसर पाओगे क्लियर है ओके okay? ठीक है क्या है बात समझ में आती है सो so, इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं आई बिलीव सेशन में जो भी बातें मैंने डेस्ती की वो समझ में आई होंगी सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर होंगे अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन को भी डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट क्वेश्चन एज वेल अगर सेशन अच्छा लगा है पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना जहाँ पे ग्रुप्स भी जो इनको फॉलो करते हो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो ठीक है इफ द इज एंड आउट मेक श्योर वस्क इफ यू लाइक द सेशन देन प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कंटेंट ऑफ द चैनल एंड यू वॉन्ट टू फॉलो दैट कंप्लीट कंटेंट ठीक है अगर ये पहला वीडियो है जो तुम तुम देख रहे हो या फिर तुमने एल्जेब्रा के वीडियो हैं बट अरिथमेटिक वाले कंप्लीट वीडियोज नहीं देखे हैं तो सारे का सारे प्ले लिस्ट है एड का मैंने बनाया हुआ उसको चेकआउट कर लेना और सारे के सारे वीडियोज को एक सिलसिलेवार तरीके से एक सीक्वेंस में देखोगे तो बेस्ट होगा ठीक है दैट इज ऑल फॉर दिस से बाय टेक केयर और नेक्स्ट सेशन में हम फिर आगे और कुछ बेटर क्वेश्चंस करेंगे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सारा वैरायटी कवर करेंगे का डोंट वरी अबाउट दैट दैट्स ऑल फॉर दिस से बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग